जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, क्या पीपी एंड डीटी के लिए हमें बुक्स फॉलो करने चाहिए, तो इसके बारे में, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि आप लोग हमेशा में से पूछते रहते हैं, सर कोई बुक रेफ़र कर दीजिए, सर कुछ बता दीजिए जहाँ से हम पढ़ सकें। तो मैं इसके लिए ये चीज़ लेके आऊँ कि आपके जो डाउट्स हैं पीपी एंड डीटी रिगार्डिंग, वो डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए पिक्चर परसेप्शन का जो बात यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली 30 सेकंड मिलते हैं अपने पिक्चर को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजर है मैं थोड़ा आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मिलते हैं टोटल 4 मिनट लिखने के लिए। ठीक है, आपके पास जो टाइम है वो 4.30 का है। ठीक है, पहला ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद देखिए वहाँ पर आपको एज, मूड, सेक्स, सारी चीज़ें वहाँ बतानी पड़ती है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बताने के लिए, एक तो वो आपको जो आपका एग्जामिनर आएगा वो आपको पहले ही बताएगा इस पिक्चर में आपको जहां पे भी आपके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उस कैरेक्टर मानिए आपको पिक्चर में एक आदमी यहाँ खड़ा होकर कुछ लेक्चर दे रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे, तो वो आपसे कहेगा जो जितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं उनको आप मेल से इंडिकेट करिए, अगर मेल है तो फीमेल है तो एफ से इंडिकेट करिए। ठीक है, और उनके बाद उनका जो मूड है, मूड को इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव से, और एक न्यूट्रल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनके एज को लिखिए आप। ठीक है, 26, 27 जो भी आपको एज दिखाई दे रहा है, 25, 51, 52 वो लिखिए। ठीक है, सेकेंडली वो बोलेगा आपसे कि आप वहाँ पर सर्कल कर दीजिए उसको, जो आपका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि उस कंडीशन में आपको बोलता है कि जो आपका पिक्चर के दौरान जो आपका मेन कैरेक्टर है जहाँ पर है वहीं आप उसको इंडिकेट करिए। ठीक है, अगर मेन कैरेक्टर आपका यहाँ है तो आप उसको वहीं पे इंडिकेट करिए, और इंडिकेट करने के बाद आपने क्या करना है वहाँ पे उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मेल, मेरा मेन कैरेक्टर बीच में था अगर इस पिक्चर के दौरान, पॉजिटिव 26 है, वहीं पे सर्कल करने के लिए बताया। ठीक है, एक और जो तीसरा कंडीशन है, वो तीसरा कंडीशन क्या देते हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान आपको वो कंडीशन देते हैं कि जहाँ पे आपका जो भी कैरेक्टर दिख रहा है, मेल फीमेल जो भी दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे, उसको लेके आइए वहाँ पे आप। जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कि अगर मेरे को इस जगह पे मेरा मेन कैरेक्टर दिख रहा है और वो मेल है, मेल पॉजिटिव 20 इयर्स, यहाँ पे मेरे को दूसरा कैरेक्टर मेरा फीमेल दिख रहा है 20 इयर्स प्लस मूड में, यहाँ पे मेरे को तीसरा कैरेक्टर दिख रहा है अगेन मेल 29 इयर्स, ये भी पॉजिटिव मूड में है। ठीक है, तो बहुत बार कहते हैं कि जहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दिखाई देती है उसको वहाँ पे इंडिकेट करिए जो भी पर्सन है, और जो आपका मेन कैरेक्टर है उसको इसमें से सर्कल कर दीजिए। अगर आपका मेन कैरेक्टर ये है तो इसको सर्कल करिए, ये तो इसको सर्कल करिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होते हैं इनके, बेसिक तीन कंडीशंस। अभी चलते हैं हम आगे, तीन कंडीशन के बाद आगे की क्या होती है, किस चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। इसमें अभी ऑब्जर्व कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। जो लिखने की चीज़ यहाँ पे आती है, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो बात तो बैकग्राउंड को आपने देखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग है आपको बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड देख के आपने देखना है कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फोरग्राउंड देखना है उसका। ठीक है, फोरग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, एक्टिविटी क्या है, उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका गेस्चर क्या है इनके ऊपर। सो इसके बाद फोरग्राउंड में देखने के बाद उनके बॉडी लैंग्वेज को देखना हमने यहाँ पे, कि बॉडी लैंग्वेज उनका कैसा है। आपको बॉडी लैंग्वेज देखने से ये समझ में आ जाता है कि भाई वो कुछ स्पीच दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो उनके एक्शंस हैं वो चीज़ें समझ में आ जाती है कि बंदा सुन रहा है किसी चीज़ को, लिसन कर रहा है या लेक्चर है या कोई चीज़ और चल रही है वहाँ पे, कोई सेशन चल रहा है, थोड़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि जो डेजिग्नेशन है बंदे का, जो आप उसको औधा देते हो डेजिग्नेशन, वो डेजिग्नेशन में क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए, तो वो डेजिग्नेशन आपके एज के रिलेवेंट होना चाहिए। जो आपकी एज है उसके हिसाब से आपने वो डेजिग्नेशन देना है। ठीक है, सो अब वो डेजिग्नेशन देके आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट करिए। और मतलब औधा कहने का मतलब ये कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में, जीवन में अचीव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ छोड़ के। ठीक है, अगर आप IAS IPS ऑफिसर बन सकते तो शायद यहाँ पे सर्व नहीं कर रहे होते, या फिर आप ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे होते, अभी आप UPSC दे रहे होते। ठीक है, सर्विस कैंडिडेट के लिए मैं सिंपली बता रहा हूँ। तो और अगर कोई सिविल कैंडिडेट इसको देख रहा है तो उसके लिए भी यही है कि अगर आप इतने क्वालिफाइड होते तो अभी आप UPSC के लिए ट्राई कर रहे होते, कुछ और जॉब के लिए आप देख रहे होते, पहले से आपका टारगेट असाइंड होता, फिर आप फौज के लिए नहीं आते। तो आप डेजिग्नेशन, एक लेवल बेस्ड डेजिग्नेशन दीजिए जो कि रिलेवेंट लगे आदमी को, ऐसा ना लगे कि आप हवे वाली बात कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास की डेजिग्नेशन देते हैं तो उसको वहाँ पर काम करने का कोई मौका नहीं मिलता, वो वर्क नहीं करता, वो एक फ़ोन कॉल करेगा और सारी चीज़ें वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है,
फ़ोन कॉल के अलावा उसको कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पे उसकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए इस चीज़ पे ध्यान रखिए और ध्यान रखने के साथ साथ उसी हिसाब से काम करिए डेजिग्नेशन पे, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टोरी में, ठीक है। वहाँ पे आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई देती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगर देखिए जो आज के मेरा मुद्दा था आज की वीडियो का, कि क्या PPNDT के लिए बुक फॉलो करना ज़रूरी है या बुक फॉलो करना फ़ायदेमंद है कि नहीं, कि लोग हमेशा कंटेंट के पीछे कहते रहे सर कंटेंट प्रोवाइड कर दो, चीज़ें प्रोवाइड कर दो, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना के बता रहा हूँ इसके ऊपर कि कंटेंट और इनका क्या रोल है। देखिए अभी एक ये पिक्चर है, इस पर आप अपना ऑब्जर्वेशन लगाइए एक बार, ठीक है। मैं इसको कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 30 सेकेंड के लिए। आप 30 सेकेंड देखिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। आप आराम से देखिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, जिस चीज़ के बारे में मैंने बात किया था, बैकग्राउंड के बारे में मैंने बात किया था, फोरग्राउंड के बारे में, गेस्चर के बारे में बात किया था, मेन कैरेक्टर के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में। यहाँ से आपको देखते हुए कुछ ये समझ में आ जाएंगी, ये लोकेशन कैसा है, कहाँ का ये सीन हो सकता है और कब ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको आप फील करके रियल टाइम वाले चीज़ में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको फॉलोअप करिए और करके आप देखिए आपके मन में क्या थाट्स आते हैं। आपके 30 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, देखिए इन्होंने एक स्टोरी लिखी है यहाँ पे, मैं स्टोरी को थोड़ा यहाँ हटा देता हूँ। मैंने इसका PDF भी फॉरवर्ड किया है ग्रुप में, तो आप PDF देखिएगा तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने जो अपनी माइंड में स्टोरी सोचा है और आपके सामने ये जो स्टोरी लिखी स्टोरी आई है, ये बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। आई होप सो कि आपको डिफरेंस आपको पता चलेगी। अगर आपने लिख रखा है तो उसको पक्का वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए और ये इसका जो PDF है आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए, आपको दिख जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो बात ये है कि आप अब यहाँ पे अगर आप ये वाली स्टोरी लिखते हो तो आप किसी और के आइडियोलॉजी को कॉपी कर रहे हो, वो आपका आइडिया नहीं है, आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो और वो आप SSB में पकड़े जाओगे। हो सकता है स्क्रीन हो जाओ, स्क्रीन आगे आप नहीं होगे, बाद में बोलते हो सर मैं रिकमेंड नहीं हुआ। तो रिकमेंड क्यों नहीं हुआ मेरे भाई? रिकमेंड इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपने किसी और का आइडिया कॉपी किया, या तो आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। आप जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हो, जिस भी जगह पर आप पढ़ाई करते हो, जहाँ से भी आप सीखते हो, वहाँ पर आपके कितने डाउट्स क्लियर होते हैं, वो आपको एक बेसिक रूल बताते हैं। बेसिक रूल के बाद आप क्या करते हो वहाँ पर, वो बस रूलिंग देख लिया आपने, आप उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ कितना एंटर किया, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली आपने अपनी चीज़ को वहाँ से सीखा, सुना उनकी बात को, और इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं उसका आपको कुछ भी नहीं पता, ना ही आपको पता है और ना सामने वाले को मतलब, बिकॉज आपने उनको पे किया एंड यू आर लेफ्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। जो भी आपकी इसमें मैं 4-5 लगा दूँ, आप लोग सभी को पता है रेट्स क्या हैं, नहीं है उनके, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर जगह मैं नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ पे, तो बस मुद्दा ये है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता था, आपको आपकी खुद से चीज़ को मैं फील कराना चाहता था, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो इसकी मुद्दे की बात ये है कि जितनी नॉलेज आप गेन करोगे, जितनी चीज़ों को पढ़ोगे, जितनी चीज़ें आपको पता रहेंगी, आप एक अच्छा आइडिया वहाँ लगा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को क्लास SSB के लिए करनी है, यहाँ पे इंडिविजुअल बैचेस में रन, बैचेस ऐसे रन नहीं करता मैं, बैचेस वगैरह तभी होंगे आपके बैचेस में क्लास जिस दिन आपका कोई प्रैक्टिस करवाने वाला सेशन होगा उस दिन, अदरवाइज आपके इंडिविजुअल क्लास यहाँ पे रन कराए जाते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप आ सकते हैं, ठीक है। जो क्लासेस की डिटेल हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। और सेकेंडली, इस बार एक बंदा रिकमेंडेड भी है हमारे पास से ACC 1-2-3 में, एंड होप सो कि 1-4 में भी नंबर्स बढ़ें, रिकमेंडेशन रेट बढ़े। इस बार जो कि मेरे ख्याल 27 बंदे रिकमेंड हुए हैं टोटल, तो इस बार 27 से आगे हम बढ़े, हमारे 75 के 75 जितनी वैकेंसीज है पूरे बंदे रिकमेंड हो। बट रिकमेंड क्यों नहीं होते हो आप लोग? बिकॉज आप में वही चीज़ होती है कि आपको चीज़ तो पता चल जाती है बट आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे चीज़ों को तो सब वेस्ट है ना, फिर क्या फ़ायदा रहा उसका? चीज़ें तो आपको पता है, और वो कैसे आती है? वो एनालिसिस से आती है। तो ये बस एक प्रैक्टिकल था आपके लिए। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं कुछ और भी अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।